सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक्टॉक्स के ग्रुपफ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हुए जल्दी से पुराने पोल की, सवाल ये था कि भाई आपको क्या लगता है कि इंडिया में 5G कब तक आ जाएगा। तो आप में से 66% ने भैया बोला है क्लियरली कि 2020 में, उसके बाद में कुछ बोलते हैं 15% 2021 में, और भैया बाकी कुछ कुछ लोग हैं जो बोलते हैं 19 में 22 में और 23 में। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे में आज का सवाल आपसे ये है कि भाई अगर दोस्तों आपसे बात करता हूँ स्मार्टफोन एडिक्शन की, तो यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा जिम्मेदार क्या है? क्या दोस्तों आपको लगता है कि यहाँ पर ये होता है सोशल मीडिया की तरफ से या फिर दोस्तों जो गेम्स वगैरह हैं उनकी वजह से होता है? भैया ऐसे में आपको क्या लगता है ज्यादा एडिटिंग क्या है भैया, आपकी राय मुझे बताना जरूर ऊपर दिए गए पोल में, नीचे कमेंट्स में, और सारी बातें मिला लो एक साथ, थोड़ा जोर लगा के दबा दो लाइक बटन को। दोस्तों बात करते हैं भैया पहले अपडेट की, निकल के आता है यहां पे गूगल सर्च को लेके, जहां पर दोस्तों मालूम चला है कि अगर भैया बात करते हैं इंडिया में यूजर्स के गूगल सर्च की, तो ज्यादा लोग दोस्तों जो है वो सर्च करते हैं डेटिंग से जुड़ी हुई चीजें, और थोड़े कम लोग जो है उससे वो दोस्तों सर्च करते हैं यहाँ पे चीजें मैट्रिमोनी से रिलेटेड। मतलब यहाँ पर दोस्तों जो लोग हैं वो डेटिंग को ज्यादा सर्च कर रहे हैं इंडिया में गूगल पे मैट्रिमोनी के कंपैरिजन में। वैसे आपने इन दोनों में से कभी कुछ सर्च किया है या फिर कुछ भी नहीं किया या फिर दोनों को ही किया है, नीचे थोड़ा लिख के अपने मन की बात को बता ही दो। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहाँ पे एप्पल आईफोन 10R को लेके। यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है 10R के अपकमिंग वर्जन की, जो भैया आएगा 2019 में, जहां पर दोस्तों बात हो रही है कि जो 10S और 10S मैक्स के आएंगे नए वाले वर्जन, तो उनमें दोस्तों होगा यहाँ पे ट्रिपल रियर कैमरा, और यहाँ पर दोस्तों होगा 10R का सक्सेसर, वो लेके आएगा अपने साथ में ड्यूअल कैमरा, जहां पर दोस्तों फिलहाल कुछ रेंडर्स आए हैं जो बताते हैं कि कैमरा जो शेप है पीछे दोस्तों जो बम्प है वो वैसा ही होगा स्क्वायर, लेकिन ये आएगा ड्यूअल कैमरा सेटअप के साथ में। तो भैया देखते हैं इस बार कि एप्पल अपने आईफोन्स को किन-किन फीचर्स साथ में लॉन्च करता है और आखिर किस कीमत पे। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहां पे Xiaomi की तरफ से, जहां पर दोस्तों कल मैंने आपको दिखाई थी ये दोस्तों एक जो फोटो थी जहां पे हमको ट्रिपल कैमरास भी देखने को मिल रहे थे, तो यहां पर दोस्तों लग रहा था हिंट कि शायद Mi A3 या A3 Lite के अंदर ट्रिपल कैमरा मिल सकता है, लेकिन यहां पर दोस्तों मालूम चलता है कि ये है Xiaomi के ग्लोबल फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट को लेके कुछ एक हिंट, जो कि दोस्तों शायद बहुत जल्दी आ सकता है, जहां पे $50,000 तक के प्राइजेस जो है वो जीते जा सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों उसको लेके शायद ये हिंट है कि भाई सिंगल कैमरा से फोटो खींचो या ड्यूअल से खींचो या ट्रिपल से खींचो। अभी ऐसे में वैसे कुछ कह सकते, क्या पता जो Mi A3 है वो वाकई में ट्रिपल कैमरा के साथ में आ ही जाए। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहाँ पे गूगल की तरफ से, और अब दोस्तों अगर आप मान लीजिए अभी तो दोस्तों कभी इंटरेस्टेड थे कि आपको अगर कुछ एक ऐप या गेम वगैरह परचेज करना है गूगल प्ले से, लेकिन यहाँ पर दोस्तों कई बार इशू होता है क्रेडिट कार्ड्स डेबिट कार्ड्स का, तो यहाँ पे अभी UPI का ऑप्शन जो है वो दोस्तों गूगल देने वाला है। तो ऐसे में इंडिया में क्योंकि UPI बहुत पॉपुलर है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जहाँ पे अगर आपको दोस्तों कोई ऐप या गेम या कुछ अगर परचेज करना है गूगल प्ले से, तो वो अभी आप बड़े आराम से UPI के थ्रू कर पाएंगे। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहां पे Flipkart की तरफ से, और बात दोस्तों हो रही है यहां पे बिग शॉपिंग डेज की। 15 मई से 19 मई तक भैया समझ नहीं आता, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ इनका दिन चलता है, कभी मोबाइल की सेल, कभी कंप्यूटर की सेल, कभी लैपटॉप की सेल, कभी सेल पे सेल, कभी यहां पे बिग शॉपिंग, कभी छोटी शॉपिंग, कभी पता नहीं मतलब क्या। क्या आपको लगता है कि ज्यादा हो जाता है ओवर, मतलब एक के बाद एक मतलब इतने क्या ऑफर्स है, इतनी क्या सेल्स, मतलब कोई चीज हमेशा साल भर डिस्काउंट भी पड़ी रहे। खैर जो भी है, Flipkart यहां पे कुछ डील्स वगैरह जो है वो भी अनाउंस करने वाला है। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहां पे Huawei की तरफ से, और यहां पे दोस्तों ये एक पेटेंट सामने आया है Huawei का, जहां पे अभी हम बात कर रहे हैं कि यार कैसे नॉचेस को गायब किया जाए, तो यहां पे दोस्तों पंचोल मैकेनिज्म ट्राई कर चुके हैं, स्लाइडर्स वगैरह ट्राई कर चुके हैं, लेकिन यहां पे अब दोस्तों Huawei का सॉल्यूशन कहता है कि फोन को हल्का सा ऊपर से जो है वो कर्वी सा बनाओ, और यहां पे दोस्तों ऊपर का एक्स्ट्रा पोर्शन होगा उसमें हम लगा सकते हैं कैमरा, ईयरपीस या बाकी सेंसर वगैरह, तो स्क्रीन हमको ऑलमोस्ट एज टू एज फील होगा। जहां पे अगर आप बात करते हैं नॉच की, तो वो मतलब थोड़ा सा लगता है कि ये क्या बीच में एक अलग से चीज आ गई है, लेकिन यहां पे इस कर्व के साथ में काफी सीमलेसली इंटीग्रेट हो जाएगा, और ऐसे में ये डिजाइन का फोन क्या आप यूज करना पसंद करेंगे मुझे बताना जरूर अपनी बात नीचे कमेंट्स में। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहां पे TikTok को लेके। भैया बैन लगा, फिर बैन हटा, फिर उससे पहले ऐप गायब हुई थी, दोस्तों वापस से आ गई थी ऐप यहाँ पे, और आते ही भैया वापस से आ गई है नंबर 1 पोजीशन पे ऐप स्टोर पे और गूगल प्ले में।
और यहाँ पर दोस्तों अभी डेली कुछ 1 लाख रुपए का जो है वो कैश रिवॉर्ड्स भी यूजर्स को देने की बात हो रही है टिकटॉक की तरफ से, लेकिन मैं पर्सनली इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है इसको लेके, हो सकता है कि आप फेवर करें या ना करें, लेकिन आप दोस्तों क्या सोचते हैं टिकटॉक को लेके, कि क्या आपको लगता है कि ये सही चीज़ है या नहीं है, या क्या ये यूथ को बिना बात डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे लोग कुछ और प्रोडक्टिव काम करें वो यहाँ पे आ रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं। हाँ डेफिनेटली टैलेंटेड लोग भी हैं, लेकिन आपका दोस्तों ऑनेस्ट फीडबैक क्या है टिकटॉक को लेके नीचे कमेंट्स में जरूर बताना अपने मन की बात मन खोल के। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहाँ पे गूगल असिस्टेंट को लेके, और यहाँ पर दोस्तों गूगल ने अनाउंस किया कि भाई अभी जो गूगल असिस्टेंट है वो और तेजी से काम करने वाला है। इनफैक्ट अगर आपके फोन में इंटरनेट नहीं भी है तो भी आप काफी अच्छे तरीके से उससे जो है वो अपना काम करवा सकते हैं, और ऐसे में आपको जो रिस्पॉन्सेज मिलेंगे वो भी काफी ज्यादा इंस्टेंट होंगे। तो मतलब आपको वो थोड़ा सा जो वेट होता है वो नहीं करना पड़ेगा, आप और नेचुरल तरीके से और तेजी से अपने गूगल असिस्टेंट के साथ में बातें और काम वगैरह जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहां पे Asus Zenfone 6 को लेके, जहां पर दोस्तों ये एक स्कीमेटिक आता है थोड़ा सा Asus की तरफ से, जहां पर दोस्तों मालूम चलता है कि इस फोन में नोटिफिकेशन लाइट होने वाली है, हेडफोन जैक भी होने वाला है, और ट्रिपल दोस्तों आपको मिलेगा कार्ड स्लॉट सिम और मेमोरी कार्ड्स के लिए, और यहां पर दोस्तों इसके अलावा एक स्मार्ट की का भी जिक्र किया गया है, शायद कोई अलर्ट स्लाइडर वगैरह हमको देखने को मिल सकता है, रिंगर या म्यूट वगैरह के लिए। तो यहां पे यार ये एक अच्छी बात है कि हेडफोन जैक भी है, ट्रिपल स्लॉट भी है, और इनफैक्ट दोस्तों यहां पे 5000 एमएएच की बैटरी का भी जो है वो जिक्र है इसी Zenfone के लिए। साथ दोस्तों यहां पे ये एक केस भी लीक हुआ है जो बताता है कि फोन में पीछे की तरफ ये ड्यूअल कैमरा सेटअप हो सकता है, और जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो आपको ट्रेडिशनल वाला ही मिलेगा। Asus ने अभी तक शायद इन डिस्प्ले के बारे में प्लान नहीं किया है इस फोन को लेके, तो भाई देखते हैं एग्जैक्टली कि क्या लेके आता है Asus 16 मई को इसी नए Zenfone में, और इंडिया में ये कब और किस प्राइस पे लॉन्च होता है। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है Realme X को लेके, भाई इसको लेके दोस्तों जो हाइप है ना वो मतलब बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग हो चुकी है, जहां पे कभी कभी कुछ ना कुछ Realme करता रहता है दोस्तों, चाहे कुछ टीजर हो या फिर कुछ और लीक्स वगैरह आती रहती है। तो यहां पर दोस्तों ये एक और टीजर की फोटो दिख रही है, जहां पे हमारे दोस्तों सामने है एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का साइन, तो मतलब अभी इस फोन के अंदर भैया कंफर्म ही है Realme की तरफ से कि हमको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलेगा, पॉपअप कैमरा भी मिलेगा, 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा भी है, स्नैपड्रैगन 710 के भी दोस्तों यहां पे आ रहे हैं हिंट्स। तो देखते हैं कि कंप्लीट पैकेज Realme हमको किस प्राइस पे ऑफर कर देता है। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहां पे Google के CEO मिस्टर सुंदर पिचाई की तरफ से, और यहां पर दोस्तों प्राइवेसी को लेके जो है वो Google बहुत एक्टिवली काम कर रहा है कि जो यूजर डेटा है उसका हम कहां करते हैं काम, कैसे उसको कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद में क्या करते हैं, यूजर्स कैसे उसमें ऑप्ट इन या आउट वगैरह भी कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों ये बोलते हैं थोड़ा एप्पल में मजाक करते हुए कि जो प्राइवेसी है वो एक लग्जरी जो है वो नहीं हो सकती है, मतलब ऐसा नहीं है कि बस सेलेक्टेड तरीके से मिले और बाकियों को ना मिले, सभी को बराबर हक है प्राइवेसी का। तो ऐसे में आप ऐसे दोनों में दोस्तों किसको कर दें, आपके लिए गूगल बेहतर है या एप्पल, दोनों में से आपका वोट किसको जाएगा थोड़ा बता दो नीचे कमेंट करके। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है सैमसंग की तरफ से, और यहां पे भैया सैमसंग ने अनवील कर दिया है अपना एक नया लेटेस्ट 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर, जहां पर दोस्तों नाम है GW1, जो कि दोस्तों लो लाइट के अंदर हो जाएगा 16 मेगापिक्सल का, जहां पर दोस्तों पिक्सल्स कंबाइन करने के बाद आपको बेहतर मिलेगी परफॉर्मेंस, और नॉर्मल जो है वो काम करेगा 64 मेगापिक्सल पे। और यहां पर दोस्तों 48 मेगापिक्सल का सैमसंग का GM1 सेंसर था, उसका भी एक अपडेट आ गया यहां पे GM2 के नाम से। तो मतलब भैया देखते हैं कि अभी ये 64 मेगापिक्सल का जो ब्रांड न्यू GW1 सेंसर है ये कौन से फोन में इस्तेमाल में लिया जाता है, सैमसंग की तरफ से या किसी और ब्रांड की तरफ से, क्या पता हमको नोट 10 में ये देखने को मिल जाए। दोस्तों बात करते हैं लास्ट अपडेट की, निकल के आता है भैया OnePlus की तरफ से, यहां पर दोस्तों बात हुई है OnePlus 7 Pro के कैमरा की, और यहां पर दोस्तों ये एक फोटो शेयर की है जो कि दोस्तों यहां पे बना है नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन का कवर। तो मतलब यार ये एक अपने आप में काफी खैर अच्छी क्वालिटी की फोटो है, हमको काफी अच्छा लगता है देख के कि शायद भैया कैमरा जो है वो वाकई में बहुत दमदार सा होने वाला है OnePlus 7 Pro का। बाकी यार देखते हैं कि क्या डिटेल्स मिलती हैं और आपके हाथ में जब फोन आता है तो आप कितना अच्छे तरीके से इसको यूज कर पाते हैं। तो दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।